दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया के खास बुलेटिन खबर दिन भर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर बैठे किसानों के लिए गर्मी बड़ी मुसीबत बन रही है। असल में यहाँ टिकरी बॉर्डर से आसौदा गांव तक इलाके में बिजली की भारी समस्या है, जिसकी वजह से 15 किलोमीटर लंबे पड़ाव में धरने पर बैठे किसान प्रदर्शनकारियों में गर्मी से कोहराम मच गया है। बिजली न होने से प्रदर्शनकारियों को रात में जागना पड़ रहा है। हकीकत यह है कि स्ट्रीट लाइटों से लिए गए बिजली कनेक्शन से अब पंखे, कूलर और एसी कुछ भी नहीं चल रहे हैं, जो बड़ी मुश्किल पैदा कर रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने गली के कुत्तों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। डॉक्टर माया चबलानी वर्सेस राधा मित्तल की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस JR मिधा की एकल बेंच ने कहा कि एनिमल लवर्स या नागरिकों को ऐसे गली के कुत्तों को खाना खिलाने या उनका संरक्षण करने का पूरा अधिकार है और उन्हें खाना पानी देने वालों को तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक कि उनसे कोई नुकसान या परेशानी न हो। कोर्ट ने कम्युनिटी स्ट्रे डॉग की सुरक्षा और भरण पोषण के लिए महानगर पालिका और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि आवारा कुत्तों को भी भोजन पाने का हक है। यूरोपियन यूनियन ने भारत समेत 9 देशों को ग्रीन पास दे दिया है। ऐसे देशों के नागरिक अब सीरम इंस्टीट्यूट की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड लेने के बाद यूरोपियन देशों में घूम सकेंगे। ग्रीन पास पाने वाले देशों में ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवेनिया, ग्रीस, आयरलैंड, स्पेन, एस्टोनिया और स्विट्जरलैंड सहित 9 देशों के साथ भारत का नाम भी शामिल है। हालांकि भारत ने इस मंजूरी पर आपत्ति जताई है और अपने यात्रियों को आगाह किया है कि जब तक कोरोना वैक्सीन प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता तब तक वे यात्रा से बचें। टाटा मेमोरियल सेंटर ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर पाबंदी लगाने की मांग की है। सेंटर ने एक सर्वे रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि धूम्रपान करने वालों में कोविड का जानलेवा खतरा ज़्यादा है। हालांकि मुंबई बीड़ी तंबाकू व्यापारी संघ और FRAI ने इस पर हस्तक्षेप करते हुए धूम्रपान को कोविड से बचाने में कारगर बताया है। इस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस GS कुलकर्णी की पीठ ने मामले को गंभीर माना और 8 जुलाई को सुनवाई की अगली तारीख दे दी है। मोदी सरकार द्वारा लाए गए IT कानून को मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। निखिल वागले ने सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म पर नकेल कसने के लिए लाए गए IT कानून को संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मनमाना, अवैध और मौलिक अधिकारों के विपरीत बताया है। निखिल वागले ने तर्क दिया है कि इस प्रावधान के गंभीर परिणाम होंगे क्योंकि मानहानि के मामलों में या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आधार पर आपराधिक कार्रवाई शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि धारा 87 है IT कानून भारत सरकार को डिजिटल समाचार मीडिया और OTT प्लेटफॉर्मों को नियंत्रित या विनियमित करने का कोई अधिकार नहीं देता है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के ऐतिहासिक किलों के संरक्षण के लिए बड़ी योजना तैयार की है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में 24 सदस्यों की सुकाणु समिति बनाई गई है, जिसकी निगरानी में पहले चरण के तहत 6 किलों का जीर्णोद्धार होगा। इनमें शिवनेरी, राजगढ़, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, सुधागढ़ और तोरणा किला का समावेश है। योजना के तहत किलों के ऐतिहासिक महत्व को कायम रखते हुए उसका संरक्षण और संवर्धन, परिसर में पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विकास और जैव विविधता को संरक्षित करने का लक्ष्य है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ED के बुलावे पर पेश नहीं होने पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि ED उन्हें 2 समन भेजकर कुछ दस्तावेज देने की मांग कर रही है, लेकिन वे ED से ECIR की कॉपी देने की मांग कर रहे हैं ताकि मांगे गए दस्तावेज जमा कराए जा सके। उन्होंने दावा किया कि एंटीलिया विस्फोटक मामले और मनसुख हिरेन हत्याकांड में संशय होने के बाद IPS परमवीर सिंह को पद से हटाया गया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए। देशमुख का विश्वास है कि उनके खिलाफ जो भी जांच और कार्रवाई चल रही है एक दिन उसका सच सामने जरूर आएगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम को ED ने नोटिस भेजकर 7 जुलाई को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। खबर के मुताबिक यामी गौतम के एक प्राइवेट अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपए आए, जिसके बारे में उन्होंने कोई भी जानकारी साझा नहीं की है। ED ने रडार पर आई यामी को इसलिए नोटिस जारी करते हुए 7 जुलाई को पेश होने को कहा है। असल में ED ने पिछले साल भी यामी गौतम को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से वो नहीं जा पाई थी।
एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बाद अब राज्य के ऊर्जा मंत्री और कांग्रेस नेता नितिन राउत भी प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर आ गए हैं। नागपुर के एक वकील तरुण परमार ने नितिन राउत के खिलाफ रेत, कोयला और जमीन की खरीद फरोख्त मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत की है। जाहिर है इस मामले में ईडी जल्द ही नितिन राउत की भी जांच कर सकती है। अगर आप वोटर हैं और आपकी मतदाता सूची में फोटो नहीं है तो आप मतदान से वंचित रह सकते हैं। निर्वाचन विभाग महाराष्ट्र में फोटो मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए जागरूकता मुहिम चला रहा है, जिसके तहत मुंबई शहर जिला चुनाव विभाग ने अब तक बगैर फोटो वाले 1,18,000 मतदाताओं के पंचनामे पूरे किए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव निवतकर ने ऐसे नागरिकों से 8 जुलाई तक फोटो जमा कराने की अपील की है। असल में आने वाले अगले महीनों में मुंबई और उपनगरों में महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जिन मतदाताओं की फोटो नहीं है उनका नाम वोटर लिस्ट से काट देने की खबर है। महाराष्ट्र के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने पीएम आवास योजना के तहत सिडकों द्वारा बनाए गए घरों की चाबियां सुपुर्द कर दी। नवी मुंबई के तलोजा में बनाए गए मेगा हाउसिंग योजना के तहत मकानों की चाबियां सौंपते हुए नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार सभी घटकों को खुद का मकान दिलाने के प्रयास में है। असल में 1.5 साल से इन मकानों का आवंटन रुका हुआ था। तमाम विरोध और मांग के बाद उद्धव सरकार ने 1 जुलाई से घरों का पजेशन देने की घोषणा की थी, जिसकी अब शुरुआत हुई है। आज के बुलेटिन खबर दिन भर में मेरे साथ इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, लेकिन मुंबई, नई मुंबई समेत देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए टीवी वन इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।